हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी जीएसटी पेपर सॉल्विंग एंड क्वेश्चन नंबर टू ए और बी हमने सॉल्व कर लिया था अभी टू सी और टू डी को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं पहले टू सी का क्वेश्चन क्या है टू डी का क्वेश्चन टाइम ऑफ सप्लाई का है वो हमारा अलग टाइप ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई वो हम देखेंगे पहले टू सी को सॉल्व कर लेते हैं काफी सिंपल है इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे टू ए में भी था क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई हमको इनमें से कौन से पॉइंट टैक्सेबल है और कौन से पॉइंट नॉन टैक्सेबल है वो ढूंढना है तो बहुत सिंपल है वॉट एवर पॉइंट्स आर गिवन वो हम लोग क्या करेंगे कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का एक कॉलम बनाएंगे टैक्सेबल का दूसरा कॉलम बनाएंगे नॉन टैक्सेबल का ऐसे आपको कॉलम्स बनाने हैं पर्टिकुलर्स टैक्सेबल टैक्सेबल और नॉन ऐसे कॉलम्स बना के आपको सॉल्व करना है हर एक पॉइंट को आपको मार्क मिलेगा तो डरना बिल्कुल भी नहीं है एक भी पॉइंट अगर गलत हो गया तो भी उसी पॉइंट्स के मार्क्स जाएंगे बाकी के पॉइंट्स के मार्क्स आपको जो है वो मिलने वाले हैं लेट अस डिस्कस वन बाय वन टेन पॉइंट्स ओवर हियर एंड विल बी डिस्कसिंग कौन सा पॉइंट टैक्सेबल है कौन सा पॉइंट नॉन टैक्सेबल है तो क्वेश्चन के पॉइंट्स को हमको इस तरीके से प्रेजेंट करना है पर्टिकुलर्स टैक्सेबल का कॉलम नॉन टैक्सेबल का कॉलम आप मार्क्स का कॉलम न मत बनाना आपको यहां पर जो सिर्फ दो ही कॉलम्स बनाने हैं टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं रेम्यूनरेशन रिसिव एज में तो रेम्यूनरेशन रिसिव फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट एट ऑल टैक्सेबल इट इज एक्जेम और ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है उसमें भी एक्जेमिशंस दिए है एग्जेमिशन सेक्शन टेन में अवेलेबल है तो ये नॉन टैक्सेबल है तो नॉन टैक्सेबल के कॉलम में आपको अमाउंट लिखना है अगर टैक्सेबल है

रिलेटेड टू कल्चर कोचिंग रिलेटेड टू आर्ट्स ऐसे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो नॉन टैक्सेबल होते हैं लिख के रखना नोट डाउन करके रखना बिकॉज यही पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कल्चर नेक्स्ट स्पीड पोस्ट सर्विसेज तो स्पीड पोस्ट सर्विसेज जो है वो टैक्सेबल है बिकॉज इसी टाइप की सर्विस जो है वो कुरियर भी देता है तो वो भी टैक्सेबल है स्पीड पोस्ट सर्विस भी टैक्सेबल होगा और कुरियर सर्विस भी टैक्सेबल होगा नेक्स्ट पॉइंट रेंट रिस्यूड फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस तो रेंट फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीएसटी इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स उसमें भी एक चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो ये यहाँ पे नॉन टैक्सेबल के कॉलम में आ जाएगा टैक्सेबल के कॉलम में नहीं आएगा नेक्स्ट है रिसीट्स फ्रॉम सप्लाई ऑफ फार्म लेबर फार्म लेबर इज एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एंड वॉट एवर इज रिलेटेड विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी दैट इज बीन तो नॉन टैक्सेबल के कॉलम में टू लैक फिफ्टी फाइव जो अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया है वही कॉपी करना है नेक्स्ट पॉइंट है कुरियर सर्विस देखो क्वेश्चन पॉइंट नंबर फोर और पॉइंट नंबर सेवन दोनों आ गया यहाँ पे स्पीड पोस्ट सर्विसेज भी आ चुका है एंड कुरियर सर्विस भी आ चुका है तो स्पीड पोर सर्विस वन लैख फिफ्टी थाउजेंड वो भी टैक्सेबल है और कुरियर सर्विस फोर लैख सेवेंटी फाइव वो भी टैक्सेबल है तो दोनों के दोनों आपके टैक्सेबल बन जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट टोल रिसीट्स फ्रॉम हाईवे ऑफ मुंबई टू पुणे तो जो टोल रिसट्स होता है वो नॉन टैक्सेबल के पॉइंट में आएंगे ये नॉन टैक्सेबल है तो वो आपका बन जाएगा नॉन टैक्सेबल टू लैख थर्टी फाइव थाउजेंड नेक्स्ट पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर नागेश ऑफ नासिक तो नासिक के नागेश को गुड्स बेचा है टैक्सेबल हो जाएगा नेक्स्ट इज रेंटिंग ऑफ इमूबल प्रॉपर्टी कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग सेंटर ऑलवेज टैक्सेबल तो ये भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा तो बेसिकली करना क्या है वॉट एवर पॉइंट्स आर अवेलेबल इन द क्वेश्चन वो सारे पॉइंट्स को हमको लिखते जाना है और लिखने के बाद उसको टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल के कॉलम्स में सेग्रीगेट करना है अगर आपके टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल के पॉइंट्स बिल्कुल सही रहे तो आपको हर पॉइंट को एक एक मार्क्स मिलके इसमें आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है कोई वर्किंग नोट नहीं है कोई कैलकुलेशन नहीं है ओनली आपको रूल्स याद रखना है जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया था रेंट रिसोर्ट फॉर रेसिडेंशियल हाउस यहीं पे अगर अगर कमर्शियल हाउस दिया रहता है कमर्शियल एक्टिविटी दिया रहता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए अगर आप घर दे दोगे तो दैट विल बी टैक्सेबल पार्ट ठीक है तो ये आपको यह ध्यान रखना है दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू सी आई होप कि दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इजी एंड क्वेश्चन नंबर टू ए हमारा हो चुका है टू बी हो चुका है टू सी हो चुका है तो अगले सेशन में हम टू डी को सॉल्व करेंगे ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया आ जाएगा कि टू डी में जो टाइम ऑफ सप्लाई अलग टाइप का आया था वो कैसे आया है वो भी ध्यान से हम लोग सीख लेंगे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बिकॉज ऐसे ही रिविजन भरे वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं और लास्ट मिनट रिविजन भी दार से का ऐप डाउनलोड कर ले अगर आपको जीएसटी का कुछ नहीं आता है उसमें एक नॉमिनल कॉस्ट में कोर्स अवेलेबल है जिसमें आप एनरोल करके सिस्टमेटिक वीडियोज के बेसिस पे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन जो टू में पूछा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर